أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين صدق الله العظيم। सूरह आल इमरान की 3 आयतों की तिलावत की गई है। इन आयतों में सूद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म नाजिल फरमाया कि ईमान वालों, सूद मत खाओ, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, मत खाओ। इससे पहले बात चल रही थी गज़वे बदर की और गज़वे उहुद की, और आगे भी गज़वे उहुद के कुछ हालात बयान किए जाएंगे। तो सवाल ये होता है कि बीच में सूद का मसला कैसे आ गया? आयतों में रब्त है, जोर है आपस। मुफस्सिरीन में से बाज़ का कहना ये है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला जब चाहे जो टॉपिक चाहे बयान करे, ये उसका कलाम है। और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, इसका ताल्लुक है गज़वे उहुद के साथ। कैसे? कि हम जानते हैं कि गज़वे उहुद में शुरू में फतह थी मुसलमानों, और आखिर में मुसलमानों के जानी माली नुकसान के साथ जंग खत्म हुई। जंग के बाद मुसलमानों को पता चला कि मुशरिकीन मक्का के जो आए थे बड़ी तैयारी के साथ आए थे, और उन्होंने इस जंग के लिए बाकायदा तिजारती काफला भेजा था, और उस तिजारती काफले में हर आदमी ने पैसे लगाए थे, और मुशरिकीन उस वक्त तो सूदी कारोबार करते भी थे। तो ईमान वालों को ये मालूम हुआ कि सूदी पैसा बहुत लगाया था, पैसा ज़्यादा था, नफ़ा ज़्यादा हुआ, तैयारी ज़्यादा हुई, तो नतीजा उनके हक में आया। ज़ाहिर असबाब देखने जावे तो अब किसी ईमान वाले के दिल में एक ख्याल आ सकता था, उस वक्त तक अभी सूद हराम नहीं हुआ था, जब गज़वे उहुद के जो वाक़या पेश आया हराम नहीं हुआ था, किसी ईमान वाले के दिल में ये बात आ सकती थी कि हम भी सूदी पैसा लगावें तो मूदी ज़्यादा होगी, कैपिटल ज़्यादा होगा, नफ़ा ज़्यादा होगा, तो सामान ज़्यादा होगा, तैयारी ज़्यादा होगी। और जैसे मुशरिकीन लड़ाकू गुंडों को भी लाए थे बाहर से, तो हम भी पैसा होगा तो हम भी दूसरों को ला सकेंगे। अल्लाह ताला ने पहले से ब्रेक लगा दी कि आपको सूदी मामला नहीं करना है, वो करे तो करे, हमें सूदी मामला, क्योंकि हमारा सारा दारोमदार हार और जीत का अल्लाह की मदद पर है, असबाब है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहेगा तो नतीजा तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा, और असबाब नहीं है फिर भी अल्लाह चाहेगा तो गज़वे बदर में तुम्हारे फेवर में आया, ऐसा आगे भी चलता रहे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर सूद से मना फरमाया। सूद के बारे में अहकाम मुख्तलिफ जगहों पर कुरान ने नकल किए, बड़ी सख्त वईदें हैं। सूद कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर इसकी वईदें बयान फरमाई है। बड़े बड़े उलमा जो हैं उनका कहना ये है कि हम बयान में, वाज में, तकरीर में, बजाय इसके कि दूसरी तीसरी इधर उधर की बातें बयान करें, कुरान बयान करें और हदीस बयान करें, सहाबा इकराम के अकवाल बयान करें, तो इंसानों पर ज़्यादा असर करते हैं। क्योंकि कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसका एक असर है, हदीस हुजूर का कलाम है, उसका एक असर है, सहाबा की बातें ये हुजूर से सुनी हुई बातें हैं, उसका एक असर है। तो मुझे भी मुनासिब मालूम हुआ कि कुरान में जहाँ जहाँ सूद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बातें बयान फरमाई हैं वो आपके सामने पेश की जा रही, चुनांचे कुछ चीज़ें जमा करके लाया हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर सूद के बारे में फरमाया कि उसकी सज़ा क्या होगी, वो अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वदरू मा बकिया मिनर रिबा, रिबा यानी सूद, और जो कुछ सूदी मामला बाकी है उसको छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे माने में मोमिन हो।
चूंकि इन अहकाम के आने से पहले सहाबा किराम भी सूदी मामला करते थे क्योंकि हराम नहीं था। अब जब हुक्म आया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो हो गया सो हो गया, अब जो है बाकी लेने का वो भी छोड़ दो। जैसे ही हुक्म आया जिसके बाकी निकलते थे उसने छोड़ दिए, ऐसा नहीं कि भाई इतना ले ले जो अभी निकलता है बाद में बाइंदा ये नहीं करेंगे, नहीं, हुक्म आया तो बाकी जो था वो माफ कर दिया गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ बचा कुचा है वो छोड़ दो। आगे अल्लाह ताला ने बड़े सख्त अल्फाज बयान फरमाए, फइन लम तफअलू, अगर सूदी मामला तुमने नहीं छोड़ा, फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। कबीरा गुनाह तो बहुत सारे हैं, खिंजीर यानी सुअर का गोश्त खाना ये भी हराम, लेकिन वहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अगर गोश्त खाना नहीं छोड़ोगे तो मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जीना बहुत बड़ा गुनाह है, जीनाकारी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहाँ भी नहीं फरमाया, वहाँ वईद बयान फरमाई, सजा बयान फरमाई, लेकिन ये अल्फाज कि मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ, मेरे नबी के साथ तुम जंग का ऐलान कर रहे हो सिवाय सूद के गुनाह की किसी और जगह नहीं, ये कितना बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वईन तुबतुम, मेरा ये हुक्म आ जाने के बाद अगर तुम रुक गए, तुमने तौबा कर ली, फलकुम रुउस अमवालिकुम, तो तुमने जो तुम्हारी मूदी लगाई थी कैपिटल, जो असल कर्जा तुमने दिया है, वो तुम्हारी असल रकम वापस ले लो, सूद छोड़ दो। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, न तुम किसी पर जुल्म करो न तुम पर कोई जुल्म करे, ऐसा नहीं कि भाई मूदी भी गई हमारी तो ऐसा नहीं, तुम्हारा जो कैपिटल है मूदी है वो वापस ले लो और सूद छोड़ दो। वइन काना दु उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा, अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और बेचारा तंगदस्त है, माली पोजिशन उसकी अच्छी नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसानी पैदा होने तक उसको मोहलत दो। जिसके पास से कर्ज वसूल करना है उसको मोहलत देना भी बहुत बड़ा सवाब है। अगर वाकईतन वो कर्जदार जिसके पास से लेने हैं वो तंगदस्त हो तब की बात है, इधर आपसे लाख रुपये लिए हैं आपको दे नहीं रहा और इधर बंगला ले रहा है, 33 लाख का फ्लैट ले रहा है, 25 लाख की गाड़ी ला रहा है, तो फिर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते, पहले भाई मेरे लाख रुपए दे दे इधर। हाँ वाकईतन तंगदस्त है, उसको कोशिश में लगा है कि कर्जा अदा करूं लेकिन कोई मेल खाता नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको आसानी पैदा होने तक तुम मोहलत दो, और इसके बड़े फजाइल हैं। एक हदीस का खुलासा ये है कि आपने जितना कर्जा दिया है फिर आप जितनी मोहलत देंगे उसको, तो हर रोज जितना कर्जा दिया है उतने रुपये सदका करने का सवाब तुमको मिलेगा, और वक्त आने पर तुम्हारे पैसे तो तुमको वापस मिलने वाले हैं। एक बात ये भी है, वान तसद्दकू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो सामने वाला तंगदस्त है और उसको तुम माफ ही कर दो कि जा भाई मेरी तरफ से सदका लिल्लाह, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शरीयत ये चाहती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा माल और पैसों का बोझ ईमान वाले के पास न हो, आखिरत के बैंक में जमा करा दो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहलत दो, ये सवाब का काम है, और अगर तुम माफ़ कर दो छोड़ ही दो तो फिर क्या कहने। आगे मेन चीज़, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, इन सूदी मामलात में अल्लाह से डरना, उस अल्लाह से जिसके पास तुमको कयामत के दिन हाजिर होना है, जिस दिन तुम अल्लाह के सामने लौटाए जाओगे उस दिन से डरना। आज दुनिया में बे इंतहा कोशिशें इस बात की जाती है कि दुनिया से क्राइम और जुर्म खत्म हो, सख्त से सख्त कानून बनाए जाते हैं, लेकिन क्राइम और जुर्म कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, कानून का भी डर नहीं। और हमारे मुल्क में हालात तो हम देख रहे हैं, मजलूमों को इक्का दुक्का को 25-30 मिल के मारते भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं और फिर उसको फखर के तौर पर शेयर भी करते हैं। कानून है दुनिया भर के सख्त लेकिन डर नहीं है। तो दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है जो इंसान को अपनी पकड़ में ले सके मुकम्मल तौर पर, सिवाय अल्लाह के डर के। अगर अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा इंसानों को हो जावे और इंसानों को अल्लाह की ताकत से डराया जावे
और इस बात का एहसास पैदा कर दिया जावे कि उसके सामने खड़ा होना है, तो फिर बगैर पुलिस के, बगैर किसी कानून के आदमी क्राइम से रुक सकता है, अगर अल्लाह की ताकत उसके दिमाग में बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे में अपनी दावत शुरू की, सब बीमारियां थी, तो हुजूर ने कैसे दावत दी? अल्लाह से डराया, हर चीज में अल्लाह से डराया। फिर तो सहाबा ऐसे डरे कि बाद से कुछ गलत काम हुए, वो भी हिकमत के तहत। अल्लाह ताला चाहते थे कि प्रैक्टिकली गुनाह सामने आए और प्रैक्टिकली लोगों के सामने उसकी सजा दी जाए, ताकि बाद में आने वालों को पता चले कि सजा कैसे दी जाती है। और भी बहुत सारी हिकमतें थी, देखने वाला कोई नहीं होता था, लेकिन अल्लाह का खौफ ऐसा होता था कि उनको बेचैनी होती थी, और वो औरतें हुजूर के पास आती थी, कहती थी हुजूर मुझसे गुनाह हो गया, मुझ पर सजा नाफिस करो। हालांकि किसी ने देखा नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई मौजूद नहीं था, ना सीसीटीवी कैमरा था, अल्लाह और इन बंदों के सिवा कोई नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह का खौफ ऐसा था कि वो आकर कहते थे। तो दुनिया से जुर्म खत्म करना हो, क्राइम खत्म करने हो, गुनाह खत्म करने हो, तो एक ही चीज कारगर साबित हो सकती है 100%, जिसका रिजल्ट आ सकता है वो है अल्लाह का खौफ। अल्लाह का खौफ नहीं है तभी आदमी गलत काम करता है। तो अल्लाह ताला अपने आप से डरा रहे हैं, वत्तकु यौमन तुरजाउन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह के सामने खड़े किए जाओगे। सुम्मत वफा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर जिस आदमी ने जो काम किए थे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तो अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उससे डरो, डर आ जाएगा, क्राइम रुक सकते हैं। आज ये पुलिस महकमा जो है, ये अपग्रेड से अपग्रेड होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं चोरों को पकड़ने के वास्ते, गुनहगारों को पकड़ने के वास्ते कैमरे लगाते हैं, ये वो, ये एक कदम आगे बढ़ते हैं तो चोर लोग दो कदम आगे हो जाते हैं, इनसे वो कोई नया तरीका ढूंढ लाते हैं। पहले सादे मीटर लाए बिजली के, लाइट के, उसको बंद करने का ढूंढ लाए लोग, धीरा करने का ढूंढ लाए, फिर हैवी मीटर लाए, उसका भी रास्ता लोगों को मिल गया, स्मार्ट मीटर लाएंगे तो उसका भी कुछ ढूंढ लेंगे। तो ये एक कदम आगे बढ़ते हैं तो गलत काम करने वाले दो कदम आगे बढ़ जाते हैं। ये सिलसिला उसी वक्त रुक सकता है जबकि लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ हो। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह अपने आप से डराया कि मुझसे डरो, कयामत के दिन से डरो। हुजूर ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत डराया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लदीना याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल लदी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जब कयामत का दिन होगा, जिन्होंने दुनिया में सूद खाया है वो ऐसे खड़े होंगे जैसे किसी शैतान ने छू लिया हो और आदमी मदहोश हो जाता है, नशे वाला आदमी जैसे झूमता है, ऐसे ये लोग सूद खाने वाले कयामत के दिन झूमेंगे, ऐसे मदहोश होंगे, लोग उनको देखकर पहचान लेंगे कि इन्होंने दुनिया में सूद खाया था। ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا। अब जब ये सूद हराम हुआ तो मुशरिकीन ने और इस्लाम के दुश्मनों ने हुजूर के ज़माने में ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तुम्हारा रब तिजारत को हलाल करार देता है और सूद को हराम करार देता है। हालांकि दोनों सेम हैं, तिजारत में भी आदमी को नफ़ा होता है, सूद में भी नफ़ा होता है, दोनों सेम तो है, सरके तो हैं, फिर एक हलाल दूसरा हराम ऐसे क्यों? इसमें बहुत फ़र्क है, तिजारत में और सूदी लेन देन में फ़र्क है। शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती कि आदमी माल से डायरेक्ट माल कमावे, पैसों से डायरेक्ट पैसे कमावे, इसको पसंद नहीं करती। और इस बात को पसंद करती है शरीयत कि आदमी काम के जरिए पैसे कमावे, नफा हासिल करना हो तो बीच में काम हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपये हैं, अब ये किसी को कर्जा दे रहा है, डायरेक्ट 1,00,000 रुपये कर्जा दिया और सामने वाले को कहता है कि जब 1 महीने 2 महीने या जो भी वक्त तय हो उसके बाद जब आप हमको वापस करेंगे तो इतने रुपये ऊपर ज़्यादा देना पड़ेगा, 100 पर 110, 1,000 पर 1,500, जो भी तय हो। तो ये डायरेक्ट पैसों से पैसे खींच रहा है,
बीच में कोई मेहनत तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं। शरीयत कहती कि ऐसा नहीं। इसकी क्या वजह है कि अगर पैसों से डायरेक्ट पैसे खींचे बीच में अमल के बगैर, तो दो बड़ी खराबियां पैदा होगी। एक खराबी ये पैदा होगी कि माल चंद लोगों के पास जमा होकर रह जाएगा, बाकी लोग खाली हो जाएंगे। जो पैसे वाले हैं वो और ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, और बीच में जो गरीब थे उनका तो कोई अमल था ही नहीं, कोई मजदूरी वगैरह बीच में थी ही नहीं, तो ये खाली हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और शरीयत ये कहती है कि माल एक जगह जमा हो वो हमें मंजूर नहीं है। कैला यकून अदूलतम बैनल अग्नियाई मिनकुम, अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया कि ये ज़कात सदकात इसलिए लेना है ताकि माल कुछ लोगों के पास जाकर जम नहीं जाए, बाकी लोग खाली हाथ नहीं हो जाए। आजकल के जो अखबार हैं, अभी दो तीन दिन की उसकी बात करता हूँ मैं अपने मुल्क की, कि क्या रिपोर्ट आया। देखो ये कुरान जो कहता है वो होकर भी रहता है, खराबी जो बताई थी मना किया, क्या हुआ कि दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा मालदार लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हुई। ये होती है एक हर साल या दो तीन साल के बाद। उसमें हमारे देश के 5 बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया के 100 में से हमारे 5, इतने मालदार हैं। और कल एक लिस्ट डिक्लेयर हुई गरीबी के बारे में, तो पूरा नतीजा ये था कि पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग गरीब हैं, उनमें सबसे ज्यादा गरीब हमारे मुल्क में है, सबसे मालदारों में हमारे 5 हैं और सबसे गरीबों में हमारे 25 करोड़ हैं। तो माल जिधर जाता है उधर ज्यादा जा रहे हैं, और जहां नहीं जा रहा वो बिल्कुल नहीं जा रहा है। दूसरे दर्जे के मालदारों की लिस्ट उसमें 350 हमारे देश के हैं, और दूसरी तरफ रिपोर्ट ये है कि इस देश के 80 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज खा रहे हैं सरकार का। तो इधर से 350 मालदारों में है और इधर 80 करोड़ गरीबों में। तो जो मालदार है वो मालदार ही होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब ही होते जा रहे हैं। इसलिए शरीयत ने मना फरमाया कि माल से माल खींचना जायज नहीं, माल के जरिए कोई काम हो उससे तुम नफा हासिल करो ये जायज। अब वही 1 करोड़ रुपये का मालिक कोई फैक्ट्री लगाएगा तो ये उसकी दौलत तकसीम होगी, उसको फैक्ट्री के लिए मशीनरी लानी पड़ेगी, तो मशीनरी बनाने वालों का काम होगा, उनका कारोबार होगा, उनको नफा होगा। फिर जो कुछ बनाना होगा उसकी फैक्ट्री में, उसके लिए मजदूर चाहिए, मजदूरों को उनकी रोजी मिलेगी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसको उसका हिस्सा मिलेगा। फिर रिक्शा वालों को, गाड़ी वालों को माल सप्लाई करने का पैसा मिलेगा। तो ये दौलत तकसीम होगी, और ये काम है, शरीयत इसको प्रोत्साहन देती है कि ये करो, अमल है इस। और ये लोग क्या काम करते थे, डायरेक्ट कर्ज देकर जितने दिए हैं उससे ज़्यादा वापस लेते थे। तो शरीयत कहते हैं कि ये जायज़ नहीं। अगर ये सूद जायज़ करार दिया जाता तो ये मसला आता कि एक तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी होती है जो आजकल है, और एक तरफ मालदारी ही मालदारी, जो ये भी है कि मालदार और मालदार होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूद में और तिजारत में फ़र्क है। तिजारत में बीच में काम है, चीज़ें लानी पड़ती है, बेचनी पड़ती है, मजदूरी है, मेहनत लगती है, और सूद में तो डायरेक्ट आपको ले लेने हैं। कहा कि ये जायज़ नहीं होगा। तो उनका ये कहना कि सूद ने कारोबार सब सरखा है, ये गलत बात है। और जो सूद खाएगा मदहोश की तरह कयामत के दिन खड़ा किया जाएगा। तीसरी वही अल्लाह ताला फरमाते कि उनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, और जिस अजाब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहें कि दर्दनाक होगा, वो कितना दर्दनाक होगा आदमी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। हदीसें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हैं सूद के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आकिलु रिबा व मुकिरुहु व कातिबुहु व शाहिदाहु इदा आलिमु बिही मलऊनुन अला लिसानी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूद खाने वाला, खिलाने वाला, सूदी मामला लिखने वाला, दो आदमी सूदी मामला करे बीच में सिर्फ लिख रहा है, इसी तरह सूदी मामले में गवाह बनने वाले, जबकि उनको मालूम है कि ये सूदी मामला हो रहा है, उसके बावजूद इस मामले में शरीक हों, तो उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से लानत दी गई, लानत भेजी गई। और जिसको हुजूर की लानत लग जाए, हुजूर की दुआ भी रद्द नहीं होती और लानत भी रद्द नहीं होती। अब आदमी फिर हैरान परेशान हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ,
पैसे भी हैं, चैन सुकून नहीं है, लेकिन काम ऐसे हो गए हैं कि जिससे हुजूर की लानत हो रही है, तो फिर आदमी को चैन सुकून नसीब नहीं हो सकता है। इसी तरह हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, लिखने वाले पर, इस मामले पर गवाह बनने वाले पर, सब पर लानत फरमाई, और हुजूर ने आगे फरमाया हम सवाउन, ये सब गुनाह में बराबर हैं। सूद लेने वाले को जितना गुनाह होगा, देने वाले को उतना होगा, बीच में गवाह जो बनेंगे उनको भी उतना गुनाह होगा, और इसी तरह किसी भी हिसाब से इनको कोई मदद करेगा वो सब गुनाह में बराबर होंगे। एक और हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजतनीबु सबअल मुबिकात, सात हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। हुजूर कह रहे हैं कि सात चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को हलाक कर देती है, आदमी दुनिया और आखिरत में तबाह हो जाता है। नंबर एक, अशिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। वस्सिहरु, जादू करना या करवाना, ये भी एक ट्रेंड चलता है खास करके औरतों में जादू वाला, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, किसी को नाहक कत्ल करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। وَأَكْلُ الرِّبَا, सूद खाना, ये भी हलाक करने वाली चीज़ है। और أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, किसी यतीम का माल खा जाना, माँ बाप मर गए और चाचा के कब्ज़े में आ गए, मामा के कब्ज़े में आ गए, तो कहा कि ये खाने वाला भी, ये यतीम का माल खाना हलाक करने वाली चीज़ है। وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, मैदान जंग से भागना, जबकि दुश्मनों से मुकाबला हो मुशरिकीन काफिरीन से, उस वक्त पीठ फेर कर भाग जाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, हलाक करने वाली चीज़ है। वक़दफुल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, और पाक दामन गुनाहों से गाफिल मोमिन औरत पर बहतान लगाना, तोहमत लगाना, औरत पाक दामन है, कैरेक्टर उसका कम्प्लीट है और गुनाहों से बहुत दूर रहती है, मोमिन है, किसी चीज़ पर कोई मसला हो गया और हमने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी कि इसके धंधे ठीक नहीं है, तो कहा हम तो बोलकर भूल जाएंगे, लेकिन ये बोला हुआ कियामत के दिन हाजिर किया जाएगा कि तुम जो कह रहे थे उसकी गवाही लाओ, तुमने कब उसको गलत काम करते हुए देखा है। ये कुरान में भी इसका तज़किरा है। तो किसी पर तोहमत लगा देना बेबुनियाद, ये भी हलाक कर देने वाली चीज़ है। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इयाक व दुनूबल्लती ला तुग़फ़र, तुम ऐसे गुनाहों से बचो जिसकी माफ़ी नहीं होगी, अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे ऐसे गुनाह। सहाबा किराम घबरा गए, पूछा कि वो कौन से गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं होगी, अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गुलूल, यानी माले गनीमत में खयानत करना। पहले जिहाद होता था तो दुश्मनों का जो माल कब्जे में आवे उसको माले गनीमत कहते हैं, उसमें कोई खयानत करे, असल उसका कायदा यह है कि माले गनीमत सारा जमा किया जाता था हुजूर के सामने या मुसलमानों का जो अमीर हो उसके सामने, और फिर वहाँ से पांच हिस्सों में तकसीम होता था। अगर तकसीम से पहले किसी ने कोई चीज़ ले ली तो ये खयानत होगी, और खाइन लोगों को कयामत के दिन कैसी सज़ा होगी, उनकी सुरीनों में झंडे लगाए गए, सुरीनों में से, और ऊपर लिखा होगा कि ये खाइन है, खयानत करने वाले लोग। और खयानत सिर्फ माले गनीमत में ही नहीं होती, हर तरह हो सकती है, दूसरी चीज़ों में भी हो सकती है खयानत, बातों में भी हो सकती है, राज की बातों में भी हो सकती है, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, हुजूर फरमाते हैं कि माफ़ नहीं होगा। और दूसरा गुनाह वह अकलु रिबा, सूद खाना। फमन अकल रिबा यति यौमल कियामा मजनूनन यतखब्बत, जो शख्स सूद खाएगा वो कयामत के दिन हवास बाख्ता पागल बनकर उठेगा, पगला जाएगा आदमी, और सख्त से सख्त उसको अजाब होगा। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते बूझते एक दीनार भी अगर कोई आदमी सूद का खा ले, उसको मालूम है कि सूद का है, एक रुपया एक दीनार खा ले, वो 36 मरतबा जीना करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। जीना को तो हम कितना बड़ा गुनाह समझते हैं, कोई आदमी 36 मरतबा जीना करे उससे बढ़कर गुनाह है एक रुपया सूद का खाना, एक रुपया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, एक और रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से, अर रिबा 73 बाबन, सूद के 73 दर्जे हैं, 73। ऐ सरुहा मिस्लु अय्यन के रजुलु उम्मा,
सबसे हल्के दर्जे का गुनाह, यानी सूद के जो गुनाह है उसकी 73 कैटेगरी है गुनाह की, उसमें से सबसे हल्का गुनाह ये है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसा अपनी सगी माँ से जीना करने वाला, सगी माँ से जीना करने वाला। बड़े से बड़ा गुनहगार भी ऐसा काम नहीं करता, लेकिन उसको जितना गुनाह होगा उतना ही सूद खाने वाले को होगा, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़हरा फी कौमिन अज़्ज़िना अव रिबा इल्ला अहल्लु बि अनफुसिहिम अज़ाब अल्लाह, जिस कौम में जीना और सूद आम हो जाता है वो अपने आप पर अल्लाह के अजाब को हलाल कर लेते हैं, वह अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं, फिर अजाब आवे उसमें किसी का कोई कसूर नहीं, उन्हीं लोगों का कसूर है। दो चीज़ें, जीना आम हो जाए और सूद आम हो जाए, और आजकल दोनों आम है। फिर कभी कभी कुछ लोग बेचारे कहते भी यार मुसलमानों की इतनी रुसवाई हो रही है, इतना मार पड़ा, इतने जलील हुए, अल्लाह को रहम नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अपने आप को काबिले रहम तो बनाओ पहले, ऐसे तो बनो कि अल्लाह को रहम आ जाए। तुम अल्लाह के सामने सीना तानते हो, वो जो ना कहे वो करते हो, जो करने को कहे वो नहीं करते हो, फिर अल्लाह तुम पर रहम कैसे करेगा। तो ये दो गुना जहाँ भी आम होते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि गोया ये अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। और एक आखिरी रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, बैन यदी सात यज़हरु रिबा वज़्ज़िना वल ख़म्र, क़ियामत से पहले पहले सूद, ज़िनाकारी और शराब ये आम हो जाएगा, ये क़ियामत की निशानियों में से है। अब हम अंदाज़ा लगा इन तीन में से कुछ बचा है, सूद भी आम है, ज़िनाकारी भी आम है और शराब नोशी भी आम है। अब ये जब सारी वईदें कुरान और हदीस में आई, तो कुछ वो लोग जो दुनिया की तरफ रुझान रखते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि सूदी मामले को और इसी तरह शराबी मामले को हराम के दर्जे से निकाला जाए, तो कुछ टोटके लाए, कह रहे कि देखो कुरान ने जिस सूद को हराम किया वो हराम है जो हुजूर के ज़माने में चलता था। उस ज़माने में क्या चलता था, वो कैसे अरब कैसे सूदी मामला करते थे कि किसी को 100 रुपये दिए एक महीने के वादे पर, कर्जा 100 रुपये कर्जा एक महीने के बाद लौटा देना, महीने के बाद दोनों जमा होते। तो एक आदमी दूसरे से पूछता है, यानी जिसने कर्ज दिया वो पूछता कि भाई अभी दे देता है, 100 पर 110 देने के थे, 10 रुपये ज़्यादा लेता था, 100 दिए महीने के बाद 110 वापस लूँगा, और महीने पर जमा होकर पूछता कि भाई अभी दे देता है 110 या फिर एक महीना और बढ़ा ले, बढ़ाना हो तो, लेकिन दूसरे 20 रुपये और देने पड़ेंगे, एक महीना बढ़ा तो इधर पैसे बढ़े। वो अरब ऐसा सूदी मामला करते थे। तो बाज़ लोग क्या कहते कि ये हराम है, बाकी अब माहौल बदल गया, तरीके बदल गए, ये सब चीज़ें अब हराम नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। याद रखिए कुरान हर हर जुज्व को, हर हर शक्ल को बयान नहीं करता, वो एक कायदा बयान करता है, उसके मातहत जो भी आएगा वो हराम ही समझा जाएगा। कुरान ने कह दिया कि माल से डायरेक्ट माल खींचना नाजायज़ है, बगैर इवज के माल लेना सामने वाले से वो नाजायज़ है। अब तरीका कोई सा भी हो जिसके अंदर ये चीज़ पाई जाएगी वो नाजायज ही कहलाएगा, आप उसका कोई भी नाम रख लो और कोई भी तरीका लेकर आओ, ये नाजायज़ है तो नाजायज ही रहेगा। बाज़ लोग यहाँ तक, मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि बाज़ लोग यहाँ तक कहते हैं कि खिंजीर भी हुजूर के ज़माने में जो था वो हराम था, अब हराम नहीं होना चाहिए। क्यों? कि हुजूर के ज़माने में जो खिंजीर थे वो गंदगी में ही रहते थे और गंदगी ही खाते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। अब तो खिंजीर के, सुअरों के, डुकरों के क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, फार्म बड़े बड़े और बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, अब तो खिंजीर भी हराम नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग भी हैं, का माहौल बदल गया, वक्त बदल गया, सब तरीके बदल गए, तो अब अहकाम में बदलाव आना चाहिए। नहीं, कुरान ने वलहमुल खिंजीर जो हराम करार दिया है वो लाइफ टाइम रहेगा, कयामत तक रहेगा। तरीका चाहे कितना साफ सुथरा खिंजीर हो जाए और तुम अपने घरों में रखते हो जाओ, लेकिन वो हराम ही रहेगा। इसी तरह शराब हुजूर के ज़माने में जो थी कहा कि वही हराम थी, अब वो शराब नहीं रही, अब तो नाम भी अलग हो गए, विस्की, बियर, हुजूर के ज़माने में नहीं थी,
जो थी वो हराम है, आज जो है वो हराम नहीं होनी चाहिए। हुजूर ने कायदा बयान फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर वो चीज जिससे नशा पैदा हो वो हराम है। अब आप कोई भी नाम रख लो, नशा पैदा करती है वो कयामत तक हराम। कोई भी तरीका लेकर आप, सर्दी की सिरप से भी अगर नशा पैदा होता है तो वो भी हराम। ये कायदा बयान कर दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो तो हुजूर के जमाने तक था, अब तो सब बदल गया। नहीं, उस पर एक लतीफा मुफ्ती तकी साहब ने बयान किया है कि इंडिया का रहने वाला गवैया जो गाने गाता था, उसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, कहा कि वो हज के लिए गया सऊदी। अब वहां किसी होटल वगैरह में ऐसे कुछ लोग बैठे होंगे खाने वगैरह के लिए, तो एक अरबी गवैया, अरबी गाना गाने वाला खड़ा हुआ और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। अब वो अरबी जो गवैया था ना, उसकी आवाज अच्छी नहीं थी, थोड़ी भद्दी आवाज थी। तो हिंदुस्तान का गवैया क्या कहने लगा कि ऐसी भद्दी आवाज की वजह से ही हुजूर ने मना किया इनको गाने से, अगर हुजूर हमारी आवाज सुन लेते तो गाने से मना नहीं करते, ऐसे भी सोचे लोगों। तो हुजूर ने आवाज की वजह से मना नहीं किया था, गाना ही हराम, उसके नतीजे बुरे हैं, इसलिए हुजूर ने मना किया था। तो खुलासा कलाम ये कि आदमी कोई भी नाम बदलकर, आप सूद का नाम लोन रख लीजिए, इंटरेस्ट रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हराम ही रहेगा। और किताबों में कुछ शक्लें ऐसी बताई हैं जिनको हम नॉर्मल लेते हैं लेकिन वो भी सूद है। दो शक्लें जो मैं आज पढ़ के आया मैं आपको बताता हूँ। एक शक्ल ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने इनको 10,000 रुपये दिए, ये तो सो रहे हैं, बाकी मैंने समझो 10,000 रुपये दिए, जाते हैं 10,000 रुपये कर्जा दिया और हमारी बात हुई थी कि महीने में आप मुझे लौटा देंगे 10,000 रुपये। इनको कहा ठीक है। अब 10-12 दिन के बाद इनके पास बंदोबस्त हो गया, वो मेरे पास आए और कहे देखो महीने का वादा था, अभी तक 10 दिन हुए हैं, मैं आज ही तुमको दे दो, आज ही तुम्हारा कर्जा लौटा देता हूँ, लेकिन तुम 2,000 कम कर दो, 8 ले लो, आज ही दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कहा कि ये सूद है, ऐसा होता है भाई, 6 महीने का वादा था, 2 महीने में रिटर्न कर रहा है, तो वो आते वक्त क्या कहता है, देने आता है तब, कि देख आज ही दे दो, बाकी 5,000 छोड़ दे दो, ये 5,000 छुड़वाए वो उसने सूद खाए, ये भी सूदी मामला है। एक और शक्ल जो मुफ्ती तकी साहब ने लिखे हुए हैं कि मैं ताजिर हूँ, व्यापारी आदमी हूँ, अब इनको पैसों की ज़रूरत थी, ये आए और उन्होंने मेरे पास से उधार सामान लिया, 5,000 रुपये की कोई चीज़ उधार ली, अब इनको तो पैसे चाहिए थे, ये बहुत चलता है मार्केट में, तिन्होंने लिया और फिर वहाँ बैठ के मुझे कह रहे हैं कि काम करो 3,000 में ये चीज़ तुम ले लो वापस, मेरे पास से 5 में उधार में ली के 2 महीने के बाद पैसे दूंगा, और मुझे को कह रहा है कि 3,000 में तुम ही ले लो, 3,000 मुझे रोकरे दे दो, ये भी सूद है। ऐसी कई शक्लें हैं जिसके अंदर सूद किसी न किसी तरह आ रहा है, बल्कि तो हमें इसके बारे में बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, मुतमइन नहीं रहना चाहिए। सूद सिर्फ ये नहीं है, ब्याज सिर्फ ये नहीं है कि किसी को 100 रुपये दिए कर्जा और उसके बदले में 110 रुपये ले, यही सूद नहीं है, उसकी बहुत सारी शक्लें। गिरवी मकान लेते हैं, गिरवी गाड़ी लेते हैं। अब गिरवी कोई चीज लेने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि उसने आपके पास से जो रकम ली है अगर वो वादे के हिसाब से उस तारीख को वापस नहीं करता है तो आप वो चीज बेच कर अपने पैसे ले लो और बाकी के उसको वापस कर लो। मुझे 5,00,000 रुपये की जरूरत है, मैंने कहा अपना मकान है वो मैं आपके पास गिरवी रखता हूं, तो जो गिरवी ले रहा है पहले तो वो मकान को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस्तेमाल करेगा ये सूद खा रहा है, क्योंकि उसके 5 तो उसको वापस मिलने वाले हैं और ये रह रहा है वो मुफ्त में फायदा उठा रहा है, फायदे के बदले में तो कुछ दे नहीं रहा सम, तो ये सूद। एक शक्ल ये भी है कि मकान गिरवी रखा, वैसे उसका भाड़ा और उसका किराया 15,000-20,000 चलता है मार्केट में, लेकिन मुझे 5,00,000 चाहिए थे, मैंने कहा 5,00,000 रुपये कर्जा दो और ये मेरा मकान है, 500 रुपये भाड़ा, 500 रुपये भाड़ा बिल्कुल कम, किराया बिल्कुल कम, वो क्यों दे रहा हूँ मैं वो 5,00,000 कर्जा, वैसे तो कोई देगा नहीं, वैसे ही तो कोई नहीं देगा नफे के बगैर, तो मैंने कहा वो 15,000 भाड़ा जिसका मार्केट में चलता है उसका 500 रुपये भाड़ा नक्की करके दे दिया, तो ये भी सूद है।
गाड़ी गिरवी रखी है तो जिसके पास रखी है वो उस पर सवारी नहीं कर सकता, चाहे गिरवी रखने वाला इजाजत दे कि मैं दिल से राजी हूं, पैसे दिए बगैर मांगो, फिर देखो कितना राजी है अंदर से। ये तो बेचारे को पैसे चाहिए इसलिए राजी हूं कह रहा है। तो गोया सूद में सबसे ज्यादा सख्त वैध इसलिए कि उसमें गरीबों का खून चूसा जाता है। मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला उनकी उम्र को आफियत के साथ दराज फरमाए, उन्होंने बहुत कोशिश इस बात की है कि इस्लामिक बैंकें कायम हो पूरी दुनिया में जिसमें सूदी मामला ना हो, सूदी मामला, क्योंकि वो इसकी मुतबादिल शक्ल, इसका बदल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसों का लेन देन भी हो लेकिन सूद ना हो। तो फिर जिनको नुकसान होने वाला था उन्होंने कहा इनको हटाना पड़ेगा बीच में, सब पर हमला हुआ था। और ये यहूदी कौम, ईसाई कौम पूरी सूद पर टिकी हुई कौम, और हमारे बिरादरान ने वतन भी फिक्स में रखकर सूद के वैसे खा रहे हैं। और चूंकि हमारे लिए दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना है, तो हमारे लिए गुंजाइश, हमारे बारे में तो शरीयत चाहती कि खूब मेहनत करें, पसीना बहे और फिर वो खुशबू वाला खाना खाए पसीने से। हुजूर ने फरमाया कि सबसे बेहतर कमाई जो बंदा खा सकते है वो अपने हाथों की कमाई, मेहनत मजदूरी करके खा। हुजूर ने बकरियां भी चराई और हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का सामान बेचने भी गए, तिजारत भी की, हालांकि नबूवत की जिम्मेदारी बाद में उठानी थी हुजूर को। तो पूरी बात का खुलासा ये इन दो तीन आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों सूद से दूर रहना, और अगर सूद से दूर नहीं रहोगे तो गोया तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान सुन लो। और ये बात बिल्कुल साफ है कि जिसका मुकाबला अल्लाह से हो वो कभी जीत नहीं सकता कोई भी। फिर बुजुर्गान दीन ने अपने अकवाल बयान किए कि सूद घटता है, अल्लाह ताला ने भी फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात, सदकात को अल्लाह बढ़ाता है सूद को तो कैसे घटता है, कि भाई माल तो बढ़ा लेकिन चैन सुकून चला गया, बीमारियां आ गई, औलाद नाफरमान हो गई। बास कहते हैं कि 40 साल के बाद घट जाता है, बास कहते हैं 100 साल के बाद, तो कुछ ना कुछ आफतें अपने साथ लेकर आता है, और आखिरत का गुनाह और अल्लाह की नाराज़गी तो हमेशा के लिए। तो अल्लाह ताला ने इन आयतों में हमें सूद से मना फरमाया है, हम बहुत चौकन्ना रहे अपने रोजी रोटी के बारे में। अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।